गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज सुबह से ये लोग बहुत सारा मलबा चढ़ा रहे हैं अभी भी, क्योंकि कोटा का काम शुरुआत हो गई है, लेकिन अभी भी कहूँगा कि बहुत सारा काम बाकी है, क्योंकि मुझे पता था कि इसके ऊपर बहुत सारा मलबा चढ़ेगा, लेवलिंग होगी, उसके बाद ही कोटा आएगा और कोटा लगेगा। तो फिलहाल पहली बार 5 से 6 लोग लगे हुए हैं, जो कि नीचे से 4th फ्लोर पर, टॉप फ्लोर पर ये सब लेकर आ रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि जैसे जल्दी से जल्दी ये बराबर हो जाए तो उसके बाद ये फिर कोटा लगाने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। पहले मसाला बिछेगा, मसाले में थोड़ा सा डॉक्टर फिक्सिट वगैरह डालेंगे सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि लीकेज ना हो, और फिर उसके बाद कोटा लगना शुरू हो जाएगा। तो यही होगा आज काम, मैं आपको दिखाता रहूँगा आगे कैसे कैसे क्या क्या काम हो रहा है, और कोटा लगाते हुए भी दिखाऊंगा, जितने दिन बाद भी उसका नंबर आए तब दिखाऊंगा, बट आज तो यही हो रहा है काम। तराई का टाइम आ गया है, चलो करो। नहीं तो आप अंदर चले जाओ, मैं आपको पानी भर के दे देता हूँ। जा पाओगे? हाँ, अंदर। 3 बजने वाले हैं और अभी ये यहाँ तक पहुँच गए हैं, इतना भर दिया है इसको, काफ़ी लंबा समय लग रहा है इस काम को करने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आज ये नेक्स्ट डे है, इनफैक्ट मैं कल से सीधा आज दिखाने आया हूँ, क्योंकि कल से यही काम हो रहा है। ये देखो, तो बहुत ज़्यादा कुछ काम हुआ नहीं है, अभी भी यही चल रहा है। मेरी आंखें लाल क्यों रखी हैं बहुत? समथिंग इज रॉन्ग। एनीवे, ये देखो, इसको पूरा बराबर करने में लगे हुए हैं, अभी बहुत टाइम लगने वाला है। इस जगह पे और भी मलबा फेंकना पड़ेगा इनको, क्योंकि यहाँ खाली है और वहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा बराबर करके लाए हैं। रामू जी, उस किनारे पे भी करना पड़ेगा ना, हर जगह ही करना है। अभी यार बहुत कम लोग हैं, मुझे लग रहा है फ़ोन करना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्टर को दोबारा, कि इतने कम लोग से कैसे काम चलेगा, ये तो एक एक हफ्ता लग जाएगा इसको करने में। शाम के 6 बज रहे हैं, सुबह पता नहीं क्यों मेरी आंखें मुझे रेड नज़र आ रही थी, ऐसा लग रहा था रेड क्यों है थोड़ी देर पहले, उसके बाद मैंने वीडियो नहीं बनाई, सीधा आप बनाने आया हूँ। मैंने आपको काम दिखाया था उस वक्त, कोटा का काम जो है छत पे हो रहा है, लेकिन उसके बाद काम हुआ नहीं। इनफैक्ट किसका बोलूँ मैं, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो गवर्नमेंट के हाथ में होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे हाथ में होती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ अथॉरिटीज़ का कहना है कि यहाँ पर अगर आप एक्स्ट्रा फ्लोर बना रहे हो, घर बना रहे हो, तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी सही तरीके से या गलत तरीके से, पैसा खिला के या पैसा ना खिला करके। तो कह सकते हो पैसा तो देना था, कुछ दिया भी, लेकिन कुछ रह गया, बात चल रही थी लेकिन फाइनल नहीं हो पाई। तो आज हमारे साथ जो हुआ है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। बहुत टाइम से मैं वीडियोस बना रहा हूँ, आपको पता है कि कितना मुश्किल होता है, कितनी मेहनत लगती है घर बनाने में। तो फिलहाल हमारा घर कब बनेगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया है, क्योंकि आज करीब 10 लोग तो सेफ्टी के लिए, और 6 से 7 लोग बड़े बड़े हैमर मशीन्स लेकर आए और हमारा पूरा घर उन्होंने तोड़ने की कोशिश की। जब मैं सुबह आया था तो मैं आपको ये दिखा रहा था कि कोटा की लेवलिंग होगी और कोटा लगेगा। मैं अब आपको दिखाता हूँ इस वक्त घर के क्या हाल हैं, और ये घर कब बनेगा नहीं पता है, लेकिन जो नुकसान इन्होंने किया है बहुत बड़ा किया है। एक एक रुपए की कीमत है, ख़ास तौर पे इस कोरोना टाइम में एक एक रुपए की कीमत है, एक एक रुपए सोच समझ के खर्च कर रहे हैं हम लोग। घर भी पहले से प्लान हो चुका था, काम छिड़ चुका था, तो बनाना पड़ा घर, नहीं तो नहीं बनवाते। अगर कोरोना का पता होता कि कोरोना आ रहा है तो शायद मैं घर बनवाता भी नहीं, लेकिन किस घड़ी में ये घर बनवा रहा हूँ मुझे खुद नहीं पता, सोचा नहीं था कि इतनी दिक्कतें आएंगी, फिलहाल दिक्कतें आ रही हैं।
कर रहा हूँ सामना जैसे भी हो सकता है। घर तो बनेगा लेकिन जो नुकसान हुआ है इसकी भरपाई ये कैसे होगी, टेंशन वही है। चलो मैं दिखाता हूँ आपको कि आज हमारे घर में क्या हरकम मचा है। सुबह मैं करीब 10-10:30 बजे वीडियो बना के गया था, उसके बाद मैं अब आया हूँ सीधा 6 बजे। कुछ ऑफिस का काम भी आ गया था और वीडियो बनाने का उस वक़्त कोई मतलब नहीं था जब इतने सारे लोग घर के अंदर बिल्कुल बदमाशों की तरह आ गए और घर तोड़ने लग गए। दिखाता हूँ मैं। तो जब मैं सुबह आया था तो यहाँ कोटा डल रहा था और फिलहाल इन लोगों ने मेरा घर, ये हमारा घर की क्या हालत की है, कितनी तोड़फोड़ की है। इतना पैसा, इतना सरिया, इतना सीमेंट, इतना मसाला, मेहनत, लेबर, टाइम सब बर्बाद करके रख दिया है। कौन जिम्मेदार है इसका? क्या यहाँ पर और लोग घर नहीं बनवाते हैं? और लोगों का भी घर बनता है, लेकिन वही बात है, जिसके साथ होना है उसके साथ होना ही है। और ये काम इतना आसान नहीं था, पूरी 10 से 15 लोगों की टीम थी जिन्होंने ये किया है। दीवारें, हमारी बिजली की वायर, सबको तहस नहस करके छोड़ दिया है। अब ये घर कब बनेगा, कैसे बनेगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मैं आपको नीचे चल के भी दिखाता हूँ कि घर के क्या हालात दिख रहे हैं, कितनी बेरहमी से तोड़ा है इन लोगों ने। ये देखिए, ये हमारे बेडरूम का रूम, बेडरूम की वॉल है, ये उन्होंने तोड़ दिया है। बिजली की वायर वगैरह, बिजली की पाइपलाइन, ये टूट गई है। वो बाथरूम की वॉल भी तोड़ दी है। ये लेंटर भी तोड़ दिया है। कभी सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, लेकिन ये हो गया है। किसकी गलती, किसकी नज़र अंदाजी है पता नहीं, लेकिन इतनी बेरहमी से इन्होंने काम किया है ना। ये हमारा हॉल है, हॉल की छत भी इन्होंने तोड़ दी है पूरा। ये देखिए, इस पे हमारा सारा कोटा बिछने का काम चालू हो गया था, ये उसका मसाला है। ये यहाँ से तोड़ दिया इन्होंने वॉल्स, और ये सारा का सारा लेंटर भी गिरा दिया है। कितनी मेहनत लगती है घर बनवाने में, ये बात मैं आपको हर रोज़ बता रहा हूँ, कितनी मुश्किलें होती हैं। मेरे पास कुछ भी नहीं है बोलने के लिए आज, बट हिम्मत करके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ दिखाने के लिए कि ऐसा भी हो सकता है जो कभी सोचा नहीं था, और यह हमारे साथ हो गया है। बाहर की तरफ लेके चलता हूँ तो हमारे बाथरूम की वॉल भी तोड़ दी इन्होंने, हमारे पड़ोसी की बाथरूम की वॉल भी तोड़ दी है। ये देखिए, ये हमारे पड़ोसी की वॉल है, ये सब तोड़ दिया है, सब तोड़ दिया इन्होंने। सब खुली है ये बाथरूम फिटिंग, मैं लगाया गत्ता अभी। बहुत बेरहमी से तोड़ा इन लोगों ने, मैं बता नहीं सकता। घर का आगे काम कब होगा, कैसे होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन एक घर बनवाने में कितनी मेहनत लगती है, कितनी मुश्किलें आती हैं, किसको किसको घूस देनी पड़ती है, पैसा खिलाना पड़ता है, टाइम से पैसा ना पहुंचे तो घर भी टूट जाता है। गलती किसकी है अभी तक नहीं पता, बट अभी इतना पता है कि हमारा घर टूट चुका है और आपके सामने है पूरा कि क्या हालात हो रखे हैं इस वक्त घर के। आज के लिए सिर्फ इतना ही।